बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को जो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। आज एक बार फिर यासिर भाई के सेटअप पे मौजूद हूँ। माशाल्लाह से रैबिट्स में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और छोटा सा सेटअप होता है, छोटी सी जगह पर रैबिट्स आ जाते हैं। और कौन कौन सी ब्रीड के रैबिट होते हैं, एक तो रैबिट खाने वाले होते हैं और एक रैबिट होते हैं कारोबार करने वाले। तो हर बंदा ये चाहता है यार घर में छोटा सा जो है ना बिज़नेस स्टार्ट करें, पार्ट टाइम काम करें, जो जॉब करते हैं जिनकी आमदनी कम होती है, तो वो चाहते हैं यार घर में कोई ऐसी चीज़ पाली जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्या आइडियाज़ लेकर आएँ, कैसे करें। तो माशाल्लाह से यासिर भाई के पास खरगोश का आइडिया जो है बड़ा बेहतरीन है, लोग उस पर कामयाब भी हैं, खुद यासिर भाई भी कामयाब हुए हैं इन सब चीज़ों में। आपको भी मशवरा देने वाले हैं और कम कीमत के रैबिट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई लाख लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह कम दाम के भी रैबिट्स होते हैं। बच्चे कैसे पालते हैं, क्या खाते हैं, क्या ग़िज़ा होती है, सारी तफसीलात ले लेंगे और बात कर लेंगे। और इंशाल्लाह चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यासिर भाई? अल्लाह का शुक्र। यासिर भाई माशाल्लाह से मैं तो आपको तकरीबन 2-3 साल से जानता हूँ। जी जी जी, ठीक है। आपकी वीडियोज़ भी पहले रैबिट्स की बनाई थी, तो क्या समझते हैं रैबिट्स का कितना कामयाब कारोबार है कराची में? काफ़ी लोगों को आपने कारोबार करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है और पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बस पंजाब में थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, लोग उनके पास जगह हैं और वो एग्रीकल्चर से करीब। अच्छा, लोग होते हैं वो पंजाब के, तो हमारे कराची में ज़रा सा कम है, बट है अल्हम्दुलिल्लाह है। और एक अच्छा शौक है, और ऐसा शौक है जिससे हम एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी, सबसे बड़ी बात ये देखें आज के दौर में सिर्फ शौक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जितनी आमदनियाँ हो गई हैं या जो बिज़नेस के हालात हो गए, हम सिर्फ शौक पे पैसा नहीं लगा सकते। हमारे पास ऐसे शौक होने चाहिए जो हमें रिटर्न भी दे रहे हैं। जी 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 जी। तो ये एक ऐसा शौक है जो अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न भी दे रहा है। ये उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है जो सिर्फ कारोबार को सोच के करें, क्योंकि जानवर है। अच्छा, मोहब्बत जिसको है जानवरों से वही करे। अच्छा, मतलब ये है कि शौक होना चाहिए बचपन से, जैसे मुझे शौक से परिंदों का शौक है, बकरियों का शौक है, पौधों का शौक है, तो शौक जिसको है ना वही ये ज़्यादा कामयाब हो सकता है, ऐसा ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें ये बेजबान जानवर है ना, आपको खुद फील करना पड़ेगा, आपको खुद एहतियात, वरना जिनको शौक नहीं होता ना उनको बदबू ज़्यादा आती है। अरे हाँ, वो खामखाई की बदबूएं आ रही होती हैं, क्यों? वो सफाइयाँ नहीं कर रहे होते, वो गंदा। देखें जानवर ने जाके खुद शावर नहीं लेना, उसने जाके कोई नदी में नहाकर नहीं आना है, उसने अपना खुद शैम्पू नहीं करना। आप उसके केस को, उसके इन्वायरमेंट को साफ रखोगे, कभी भी कोई बदबू नहीं आनी है, कभी प्रॉब्लम नहीं होने, अच्छा देखने को भी अच्छा लगेगा, ग्रो भी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, बरकत होगी, बरकत होगी, और सफाई तो वैसे नहीं। हाँ, और फिर रिटर्न भी अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा, कौन कौन सी ब्रीड है? माशाल्लाह से आपने बाहर से बहुत सारे नाम भी लिए, मैं नाम लूँगा तो शायद कुछ मिस्टेक हो जाएगी, बहुत मुश्किल मुश्किल नाम होते हैं खरगोश के। तो कितना मतलब अरसे से आप खरगोश पाल रहे हैं? वैसे जितना मुझे पता है कि मैं तो 2-3 साल से आपको जानता हूँ, तो कौन कौन सी ब्रीड अभी आपके पास लोकल भी मेरे ख्याल से आप सर्वाइव कर रहे हैं? ये तो लोकल शुरू से क्लाइमेटाइज्ड है, मैं तो तकरीबन 13-14 साल हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, करते हुए। हाँ जी, और काफ़ी टाइम हो गया, और अब ये इनके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे बाहर से, तो यहीं ये तो पैदा हो रहे हैं और बच्चे दे रहे हैं, तो इनका कोई मसला नहीं है, सब क्लाइमेटाइज्ड हैं। कुछ ब्रीड्स जो मैं रिकमेंड नहीं करता जो हमारे यहाँ सेटल्ड नहीं होती हैं, लाइक अंगोरा। अच्छा, अंगोरा बड़े बाल वाले जो होते हैं उनको, फिर उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, उनको गंजा करो या कॉमिंग करो। अच्छा, तो वो चीज़ मैं रिकमेंड ही नहीं करता, ना रखता हूँ अब। मुश्किल तो नहीं? मुश्किल है, एक वक्त में रखी, बेचा भी, बट देखा उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, हर कोई नहीं रख पा रहा। मैं रख लूँगा, ज़रूरी थोड़ी आप रख पाए। नहीं रख, तो ऐसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि जो सब रख लें, ईजी टू सेल हो, ठीक है, आराम से बिक जाए और उसकी मेंटेनेंस कम हो। तो इसमें हॉलैंड लॉप हो गया, लॉइन हेड लॉप हो गया, फ्यूजी लॉप हो गया, मिनी लॉप हो गया, ड्रॉप होटोट हो गए, ठीक है ना। तो इसमें आप ये वाली ब्रीड्स आप जब रखेंगे तो लॉइन हेड ड्रॉप हो गए, तो ये वो ब्रीड्स हैं चंद जो ऐसे। तो 25-30 ब्रीडें आई, आपने देखा 10-10 किलो का खरगोश था, बट उसको मगर उसको हम रख नहीं सकते केजेस में। वो लोग रख सकते हैं जिनके पास जगह है, फिर वो लाख लाख डेढ़ डेढ़ दो दो लाख वाले खरगोश हैं, वो हर कोई लेता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ रखें जो प्यारी हो और आम आदमी की दस्तर जेब पहल की हो। मतलब 25-30 हज़ार रुपये का अगर पेयर है, वो मतलब वो एक अमाउंट है, बट लाख से तो कम है, लाख से तो कम है, लाख से कम है, वो एक आम आदमी रख। 3 आ जाएंगे, 3 से 4 आ जाएंगे, और एक अच्छी अर्निंग देके जाएंगे, उसका कस्टमर आपको मिलेगा,
और उसको रखना आसान है, पिंजरे में ही रह जाएंगे, पिंजरे में ही ब्रीड कर देंगे, खाने का भी सस्ता है उनका, मेंटेनेंस तो खैर सबकी सस्ती है, खाना इतना नहीं महंगा पड़ता, बीमारियां नहीं है खरगोशों में, तो इन अच्छा, बीमारियां नहीं है, बीमारियां अच्छा। नहीं है ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई बीमार, मतलब मुझे नहीं देखा कि इतने सालों में बुखार हो गया हो। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। देखिए मौत बरहक है वो तो आती है, मगर ऐसे टेंशन वाला नहीं काम है, साल में एक आध कोई मर गया तो मर गया। अच्छा यासिर भाई कुछ एक बात है, जैसे कुछ परिंदे होते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं, जैसे लाइक अगर हम एक मिसाल दें यार गोल्डियाँ हैं वो बड़ी स्ट्रेस में आ जाती हैं, और कुछ ऐसे परिंदे स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्या खरगोश भी स्ट्रेस में आता है? स्ट्रेस में कोई भी आ सकता है अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है, ठीक है, मगर ये एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव, लाइक आपने गोल्डियान की बात कर दी तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव है ना, उसको अभी यहाँ आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो अभी लोकल ब्रीड हो रही हैं, और जो लोकल ब्रीड है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, नहीं है तो रैबिट जो है वो अब पुराना हो चुका है यहाँ पे, उसको इतनी प्रॉब्लम है, वो सेंसिटिव इतना नहीं है कि वो उसको स्ट्रेस हो। स्ट्रेस हम ले सकते हैं बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, जैसे इंसान को हो रहा है स्ट्रेस, कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है ना, आपको मुझे स्ट्रेस कब होगा जब बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रश में फंस गए, बीमार बहुत, मतलब एबनॉर्मलिटी जब आती है आपकी, तो वो इनमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आता। भाई वैलिड सवाल आते हैं इसलिए आपको ये थोड़ा सा इंट्रो लंबा लगेगा। खाने पीने के हवाले से बता दें यासिर भाई कि खाने पीने में क्या महंगा खाना है इसका या सस्ता? अच्छा देखिए खाने के हवाले से मैं आपको जब रैबिट दिखा रहा हूँ ना उसके साथ साथ दिखा दूंगा, इतनी देर लोग हमारे चेहरे देखें तो शायद बोर ही ना हो जाए, तो कुछ रैबिट चीज दिखाते हुए बात करेंगे और उसमें मैं बताता रहूँगा तो शायद समझाना मेरा बेहतरीन। वीडियो का बाकायदा जो है खरगोश दिखाते हुए आगाज करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें यार, लाइक की अच्छा ज़रूरत होती है, लाइक करते हैं तो रिकमेंडेशन में वीडियोज जाती हैं, तो यार मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग देखते हैं वीडियो को माशाल्लाह से, अप्रिशिएट करता हूँ उनको यार, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन लाइक कर दिया करें। अच्छा यासिर भाई अभी हम कौन सी ब्रीड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी क्या कीमत है, कैसा सब कुछ आप बताएँ। देखें जी ये है फ्यूजीलॉप्स, ठीक है, ये फ्यूजीलॉप रैबिट है, मेल फीमेल का पेयर है। अच्छा रेट मैं अलग से बता दूंगा और क्वालिटी आपके सामने है, और ये रेडी टू ब्रीड पेयर है, ठीक है ना। अच्छा ये इन केजेस के अंदर ही नॉर्मली आराम से ब्रीड करते हैं, बॉक्स रख दें या वो प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट्स आते हैं वो रख दें तो उसमें आराम से ब्रीड करते हैं। तो परिंदों वाले टाइप के जी नॉर्मल केजेस मैं रिकमेंड करता हूँ, क्यों हैवी केजेस की तरफ जाएं, नॉर्मल केजेस के अंदर रखें वो बेहतरीन है। ये क्या नाम बताया आपने इसका? ये फ्यूजीलॉप्स है। फ्यूजीलॉप जी। अच्छा इसके तो बच्चे ही बिकते होंगे ना? नहीं ये पेयर फॉर सेल है वैसे। अच्छा, बच्चे भी बिकते हैं। अच्छा, और किसी को ब्रीडर चाहिए, रेडी टू ब्रीड चाहिए, वो भी बिकते हैं। तो यासिर भाई ये बताएं ये एक वक्त में कितने बच्चे देती है? ये 4 से 8, 10 सात आठ का एवरेज रहता है वैसे। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है पिछली वीडियोस में कि आपने बताया था कि जब मेल क्रॉस कर लेता है तो माँ को अलग कर दिया जाता है, बाद में फिर ये बच्चे देती है। वो बच्चे तो वैसे भी दे देगी मगर अलग इसलिए करते कि जगह महदूद है ना, जब हम पेटी भी इसमें लगा देंगे तो फिर कहाँ से वो जगह इतनी नहीं बचेगी ना, महदूद जगह की वजह से अलग करते हैं। जी जी जी, ऐसा तो नहीं है कि उसको डिस्टर्ब करता है? नहीं डिस्टर्ब तो नहीं करता। हाँ ये है कि ब्रीड जैसी बच्चे ले करती है बर्थ होती है वो फॉरन मेटिंग होने के चांसेस होते हैं और वो गलत है। अच्छा बिल्कुल यार ये बात, क्योंकि वो टाइम होना चाहिए ना थोड़ा सा। आप कौन सी दिखा रहे हैं? इसके बराबर में आप देखें, ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है जी। क्या क्या नाम है? ये लॉइन हेड लॉप है। लॉइन हेड लॉप। अच्छा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा इसके चेहरे पे, आपको बाल की वो एंगल दिखेंगे जैसे शेर के नहीं होते लाइक लॉइन शेप जो होता है। जी जी जी, जी। वैसा दिख रहा है जी। ये रेड आइज वाइट में है। अच्छा खाने का आपने मुझसे पहले सवाल किया था, जो मैंने कहा था कि दिखाते हुए बात होगी, खाने में इनमें इनको हम वन टाइम पैलेट्स देते हैं, वन टाइम हम इनको अल्फाल्फा हे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज अ ट्रीट आप इनको गाजर, खीरा, लौकी, पपीता, खरबूजा, सलाद के पत्ते, पालक और लाइक इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं, जो भी आपके घर में नॉर्मली बन रहा है। स्ट्रॉबेरी आई हुई है, केला आया हुआ है, सेब आया हुआ है, कोई वेजिटेबल्स पक रही हैं तो उनके कुछ स्लाइसेस एज अ ट्रीट इनको दे दिए तो वो बेस्ट है इनके लिए। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मसला नहीं होता कि हम इनको क्या दें और कोई महंगा आएगा, जो हम डेली रोज़मर्रा में खा रहे हैं और वो यूज़ करें वो आप इनको दें और ये आराम से खाते हैं। अच्छा ठीक है, अब कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? ये देखें ये हॉलैंड लॉप है।
अच्छा, आपने कुछ एक तस्करा किया था जब हम इंट्रो ले रहे थे, तो उसमें कुछ रैबिट्स का जो महंगे थे, ये उससे सस्ते हैं? वो देखें, ये नॉर्मली इनके बच्चे अगर हम जाते हैं तो 25,000-30,000 के अराउंड होते हैं, 20,000-30,000, डिपेंड ऑन क्वालिटी, सस्ते भी मिलते हैं वो, जितना आप क्वालिटी देखें। मैं एक चीज़ हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को कि प्योरिटी और क्वालिटी दो बड़ी अलग चीज़ें हैं। प्योर हॉलैंड लॉप है बट उसकी क्वालिटी अलग है। अच्छा, आप गुलाबी बकरा लेने जाते हैं, 10,000 रुपये का बच्चा भी मिलता है, 1,00,000 रुपये का बच्चा भी मिलता है, दोनों प्योर गुलाबी होते हैं। डिपेंड ऑन पॉइंट्स, क्वालिटी क्या कह रही है, तो पैसे उस पर वेरी कर रहे होते हैं। अच्छा। और बड़ा पेयर लेने जाएं तो 40,000-45,000 रुपये, डिपेंड, सस्ता आगे महंगा भी होता है फिर उसमें। सही। यासिर भाई, कितनी एज में ब्रीड कर जाते हैं, बच्चे दे देते हैं? ये 5 महीने के बाद ब्रीडर हो जाते हैं। और ये पैदा होने, ये रेडी ब्रीडर है, ये 8 महीने की है। अच्छा, ये फीमेल है? हाँ जी, ये फीमेल है। अच्छा, कितना ज़रूरी होता है कि इसको क्रॉस ब्रीड कराने के लिए या ब्रीड कराने के लिए कौन सा मेल, इसी का मेल इस्तेमाल करना पड़ता है या नहीं? वो आप सेम ब्रीड देखें, हॉलैंड लॉप, लॉयनहेड लॉप, फ्यूजी लॉप, मिनी लॉप में कोई इतना फ़र्क नहीं है। जितने लॉप्स हैं ना, इन सब के कान डाउन होते हैं, ये कॉमन है इसमें। कान लॉप मतलब लॉप डाउन है, ठीक है। अब इसमें हॉलैंड लॉप मिनी लॉप से साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, मिनी लॉप साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, कान का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता है। लॉइन हेड लॉप, फ्यूजी लॉप में आपने देखा कि फर का फ़र्क होता है, थोड़े फरी होते हैं फेस कंडीशन पे, जो फ्यूजी लॉप है उसका फुल फरी है, और जो लॉइन हेड है उसका थोड़ा सा एक सर्कल बन रहा है, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया। और हॉलैंड लॉप और मिनी लॉप में फर नहीं होते बिल्कुल भी। अच्छा, इतना खोज लगा के पूछने का मकसद ही यही है यासिर भाई, ताकि लोगों को ज़्यादा मालूम हो। हाँ जी, आसानी पाल सकें, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लोगों को हम बोर कर रहे हैं, सारी मालूमात दे रहे हैं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। मैं इस पर हमेशा ये कहता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं मुझसे ख़रीदें, आप कहीं से भी ख़रीदें, मगर आप मुझसे पूछने के लिए जब कांटेक्ट करना चाहें, वैलिड क्वेश्चंस हो, मैं उनको आंसर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अब दिखाएं नेक्स्ट कौन सा दिखा रहे हैं? अच्छा, इसी में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंच लॉप, जो थोड़े छोटे हैं, अभी 3.5 महीने के हैं, ये इन सबसे बड़े जाते हैं। ये हमसे डर रहे नहीं है? नहीं, ये क्यों डरेंगे? ये मतलब आपने इतना फ्रेंडली रखा हुआ है। हाँ, नॉर्मल ऐसे डरते नहीं है, थोड़ा सा हाँ, कोई ऐसा वो नहीं करते, इतना रेजिस्ट नहीं करते। मखमली लग रहा है यार जी। ये अभी छोटे हैं, ये साइज़ में इन लॉप से डबल हो जाते हैं। फिर इसमें जॉइंट लॉप आता है, वो भी यहाँ नहीं चलता, वो क्योंकि उसको रखना थोड़ा मुश्किल है। ये फ्रेंच लॉप बहुत अच्छा चलता है, इसकी आप क्वालिटी देखें, ब्लैक कलर। अच्छा, अभी से इनका कान बहुत बड़ा, इनका कान बड़ा होता है, फ्रेंच लॉप का कान बड़ा होता है, जर्मन लॉप का साइज़ और बड़ा होता है, तो ये थोड़े थोड़े से फ़र्क हैं। तो ये कितने महीने के हैं? ये ऑलमोस्ट 4 महीने के होने को हैं। बस ये आप ब्रीड पे आ जाएंगे? नहीं, ये 5 महीने के बाद आएंगे। अच्छा, ना 5 महीने के बाद जी। अच्छा, तो यासिर भाई, ये जो मतलब ये क्या कीमत के होते होंगे? देखिए, ये फ्रेंच लॉप जो है वो 35,000-40,000 बच्चे हैं, इसका बच्चे बड़ा महंगा है, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा ज़्यादा होता है, बड़ों में शुमार हो चुका है। नियर टू, अभी टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा जी। अब कौन से दिखा? देखें, इसी के नीचे आप देखें, आराम फरमा रहे हैं। हाँ जी, ये फीमेल है, ये अभी 2 बार बच्चों से फारिग हुई है, तो ज़रा रेस्ट पे चल रही है, थोड़ा आराम ज़्यादा चाहिए। ये लॉइन हेड की फीमेल है, आप इसको देखें, इसका चेहरा आपको लॉइन हेड का फ़र्क समझ में आएगा, फ्यूजी लॉप लॉइन हेड आप देखें इसका रेंगे। अच्छा, ब्रीडर जो है ना, वो इतने फिनिशिंग में नहीं होते, बिकॉज मैटिंग शेटिंग कर रहे होते हैं ना, तो बाल नुचते हैं मेल फीमेल के आपस में, खेलने की वजह से तो बाल ख़राब हो जाते हैं, तो इतना शो क्वालिटी में ब्रीडर आपको नहीं दिखेगा कभी भी किसी भी फार्म पे। फिर भी आम आदमी को समझने में आसानी होगी कि लॉइन हेड क्या होता है। लॉइन हेड क्या? हाँ, ये लॉइन हेड फीमेल है, इसका फेस देखें, इसमें मैंने हॉलैंड दिखाया, उसका फेस देखें आप, बिल्कुल साफ था, फर भी कम थे। मैंने फ्यूजीलॉप भी दिखाया कि उसके फेस पर कितना बाल था, तो ये फ़र्क होते हैं इनमें। अच्छा, और अब क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें आपको इंग्लिश अंगोरा दिखाता हूँ। इंग्लिश मेरे लिए, मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों को ज़्यादा रखने पे। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। हाँ, मेंटेनेंस इनकी थोड़ी ज़्यादा ही, देखिए मैंने गंजे करके रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, ये मेरे नाम से एक हैं, वो नाम से टेम हुए हैं, एक ये हैज़ल है। अच्छा, और ये जोई है। माशाल्लाह, नाम से टेम। हाँ जी, ये इनको बेचारों को, वहाँ मेरी बड़ी जगह थी, वहाँ ज़रा प्लांट का शौक आपको पता हुआ तो वहाँ पे रखें, इनको यहाँ डाला, ये स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके साथ, ये ज़रा नाजो पले। माशाल्लाह, हाँ जी, लग भी रहा है कि यार ये गंजे, ये जो मैं अंगोरा मना करता हूँ ना, ये रीज़न है। आप देखें, आप गंजा करो साल में 3 से 4, हाँ, नॉट्स पड़ जाती हैं, इनको गर्मी लगती है,
लोग बुरा हशर कर देते हैं वरना जानवर का, फिर बोलते हैं जी काम अच्छा नहीं है। काम अच्छा है उसको करो तो तरीके से तो करो, सही बात। और आप रिकमेंड नहीं करते भाई इंग्लिश अंगोरा, लेकिन जो कर सके वो करे, हाँ रादर देन ना करे। फुल टाइम चाहिए मतलब इस तरीके की आपको जो है केयर करने के लिए? नहीं 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 नहीं, टाइम तो नहीं चाहिए। खरगोश में ही तो फायदा है, आधा पौना घंटा 50 खरगोश आप निपटा देते हो। इसमें इस काम में यही फायदा है बहुत ज़्यादा कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, टाइम टेकिंग नहीं है। हाँ अंगोरा जैसा रख लिया तो आपको वीक में, अगर आप गंजा करते हो तो 2-3 महीने बाद गंजा कर दो। अच्छा। बट फिर वो ब्यूटी नहीं रहती ना। अभी पता नहीं अच्छे लग रहे होंगे व्यूवर्स को, नहीं अभी भी अच्छे, बट आप ये सोचें कि जब इनका फुल फर होगा तो ये क्या चीज़ लगेंगे। और जो पालते हैं देखने वाले उनको पता होगा। एग्जैक्टली उनको पता होगा। हाँ जी बिल्कुल, आम आदमी तो नहीं है इतना अट्रैक्टिव इस वक्त नहीं है, बट ठीक है। बट वो जो अट्रैक्शन होनी चाहिए फिर उसके लिए हाई मेंटेनेंस। अच्छा बहुत माजरत के साथ, मुझे बिल्लियाँ ना हाथ लगाना पसंद नहीं है। लोग बोलेंगे अरे तू कैसा पेट लवर है कि तेरे को जो है बिल्लियों को हाथ लगाना पसंद नहीं। मुझे ना डॉग और बिल्ली हाथ लगाना पसंद नहीं, क्योंकि ये एक हलाल सा जानवर है, इसको मैं हाथ लगा बड़ा इजीली लगा रहा हूँ। हाँ कुछ है होता है किसी के साथ, वो किसी एनिमल से थोड़ा सा घबरा रहा था। खरगोश का जोड़ा मैं पाल लूँ। हाँ जी, ये देखें ये लॉइन हेड है जी जी, और हॉलैंड डॉग का मेल है। आपस में हम क्रॉस कर सकते हैं इस तरह ना, हमारे को दोनों बच्चे आते हैं, लॉइन हेड भी बच्चे आ जाते हैं, हॉलैंड डॉग के बच्चे भी आ जाते हैं। क्या नाम बताया आपने इसका? ये हॉलैंड डॉग है और लॉइन हेड डॉग है, मेल फीमेल साथ है, मैटिंग हुई है 2/11 को, ये डेट डाल दी है। 30 दिन का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, 30 दिन में बच्चे आ जाते हैं। तो 5-6 दिन पहले जो है ना वो बॉक्स लगा देते हैं हम इनको। मैं आपको अभी बॉक्स भी दिखाऊंगा कि कैसा होता है, वरना आप फ्रूट की पेटी लगा दें प्लास्टिक वाली। इतना चुलबुला क्यों है ये? तो सर मेल है ना, ज़रा सा मूड में मेल है, मेल थोड़ा अच्छा। ये माशाल्लाह मेरा स्टड मेल है, ये बड़ा बचपन से यहीं पैदा हुआ है, इसकी माँ भी मेरे पास थी। हमारी वीडियो में भी हो गए? हाँ बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। दो साल इसको 2 से 2.5 साल हो चुका है। हाँ होगा फिर जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। ये फीमेल है ना? नहीं, हाँ जी वाइट मेल जी। और ये वाला मेल? मेल है। और यासिर भाई एक बात बताऊं, मैं इतना मतलब करीब हुआ इनके, मतलब वो जो स्मेल लोग कहते हैं ना यार बड़ी इरिटेट महसूस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता? स्मेल नहीं आएगी ना आपको। देखिए मैं खुश्क लूसन देता हूँ, ठीक है, सफाई हफ्ते में 2 बार हो जाती है। खुश से मुराद 1-2 दिन रख के देते हैं? ड्राई एक्सपोर्ट क्वालिटी का लूसन आता है। अगर किसी को नहीं मिल रहा वो आम लूसन को 4-5 दिन खुश कर ले जी जी, छाँव में धूप में ना करे, धूप में, ठीक है, उसके बाद वो वॉश करके खुश कर ले और वो दे दे। देखिए 80% उसमें पानी है, सब्जियों में 80% पानी है, 20% न्यूट्रिशन है। जब आप फ्रेश लूसन खिला दोगे तो उसने तो पी करना है, जब वो यूरिन पास करेगा। अच्छा कैल्शियम बहुत ज़्यादा है लूसन में, जब वो इतना हैवी कैल्शियम लूज जब हम भी खा लेते हैं तो आप देखें वो बड़ा स्मेली यूरिन पास करते हैं। ये बात सही कह रहे हैं। तो वो स्मेल इसलिए आती है क्योंकि हमने बचपन से सीखा है खरगोश जो है वो मट्टी में रहता है और गाजर खाता है, लूसन खाता है। अगली बात ही नहीं पता, हम यही समझते हैं, लोग हैरान होते हैं कच्चा चाहिए, किधर कच्चा चाहिए भाई, पूरी दुनिया में केज में हो रहा है। ऐसे तो मुर्गियों को भी कच्चा चाहिए, वो भी केज में फार्मिंग हो रही है। अब वो जगहें नहीं है हमारे पास, तो खैर फ्लैट्स हो गए हैं और तंग जगह है पूरी दुनिया में। माशाल्लाह से ये कौन सी ब्रीड? ये ड्राफ हुटुट है, फीमेल है, अभी बच्चों से फारिग हुई, कल मैंने इसके बच्चे सेल किए हैं। आंखों का बड़ा प्यारा। हाँ जी ये काजल लगा हुआ है और ये कुदरती काजल लगा हुआ है। माशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है हुसन से। इनमें भी बड़ी क्वालिटीज आती हैं, सस्ते महंगे उस वजह से रेट ऊपर नीचे वेरी कर रहे होते। वाह यार माशाल्लाह, ऐसा वाकई लग रहा है कि काजल लगा है, ब्यूटी कुदरती अल्लाह की क्या है, क्या बात है। अच्छा यार यासिर भाई, फोन आ गया। अच्छा यासिर भाई ये क्या ब्रीड है? ये हॉलैंड डॉग है, ठीक है, और फीमेल है। माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा है यार, अट्रैक्टिव कलर है जी। ये कॉलिको कलर में डिफरेंट है, बिल्लियों में भी बड़ा पसंद किया जाता है। हाँ जी कॉलिको, इसके बच्चे कितने मंथ में मतलब आप फरोख करना शुरू करते हैं? बच्चे जो है वो 2 महीने से पहले मैं नहीं सेल करता ना, रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट माँ का दूध पूरा पिए हुए हो, थोड़ा सा रुक जाओ। लोग सस्ता बेच
के चक्कर में। अच्छा। मैं मिसाल के तौर पे 10 रुपए का दे रहा हूँ, बोले फलाना तो 8 रुपए का दे रहा है, 7 रुपए आप क्यों महंगा दे रहे हैं? तो भाई वो एज तो चेक करो, वो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं कभी भी नहीं बेचने की कोशिश करता कि जी 2 महीने, क्योंकि 45 डेज तक दूध पीते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दो, देन फिर किसी को बेचो, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है ना कि बस बिक जाए किसी तरह, जल्दी जल्दी करो, सस्ता वो करो, ठीक है ना, तो सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं। अच्छा, हर सवाल में कुछ ना कुछ नॉलेज है, जैसे सवाल ये काफी लोगों को फायदा होगा इससे। मैं देखें, अगर जो चाहता है, जो मोहब्बत रखता है जानवरों से, खरगोश रखना चाहता है, देखें कि अच्छा काम है, अच्छा अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है माशाल्लाह, और लोगों को नवाजा है, और आप चाह रहे हैं कि लोग इस फील्ड में और आगे बढ़े, जो करना चाहे। देखें, आजकल लोग बड़े परेशान हैं, काम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर मुझे मिल गया उसमें तो मैं छुपा के रख लूँ। भाई ठीक है, जिसको मेरी बातें सही लग रही हैं वो देखे, खुद स्टडी करे, देन वो हाँ, मैं तो देखें कन्वेंस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम छुप मैं छुपाने वालों में से नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप कहीं से भी लें, जितना मुझे पता है वो मैं बता दूँगा। क्या बताने वाले, कुछ नॉलेज देने वाले? हाँ, मैं दिखा रहा था के ये देखें, ये ब्रीड का जो होता है ना केज में, देखें ये पेटी है, इसमें ये बच्चे दे देते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये लकड़ी का भी बनवा सकते हैं हम, इसके अंदर भी हम बच्चे ले सकते हैं इनके, तो कोई ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस ये फ्रेम रख दो। हाँ जी, और ये रख दें तो केज के अंदर हो सकता है, दोबारा बोलिएगा। अच्छा यासर भाई, ये आपने ये लेकर आई क्या है, क्या मालूम? देखिए, मैं बता रहा था कि केज के अंदर ये इजीली रहते हैं, बच्चे देते हैं, तो बच्चे कैसे दें? अच्छा, ये नॉर्मली मिल जाती है, इनका हाँ नॉर्मली मिल जाता है ये 20-25 रुपए का, फ्री भी दे देते हैं फ्रूट वाले। अच्छा, ये ला के रख दें। हाँ, लकड़ी वाला नहीं, ये प्लास्टिक है, इतना सस्ता मिल जाता है जी, वरना इनके एक खास ये हम बनाते भी हैं। अच्छा, तो आप ये बनवा लें, नहीं तो फिर वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं जी, बस एक फ्रेम देना होता है। हाँ जी, फ्रेम मींस के से ही कुछ करती है, कहते हैं आप, ये इनको हम घास देते हैं, जब इन्होंने बच्चे देने होते हैं ये घास को सेट करती है, फिर अपने चेस्ट के सारे बाल उतारती है। अच्छा। उससे दो बातें होती हैं, एक तो इनके निपल्स विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, जो फीट के काम आते हैं, बच्चों को विजिबिलिटी हो जाती है तो वो पी सकते हैं, दूसरा एक बड़ा अच्छा ब्रीडिंग तैयार हो जाता है उसमें ये बच्चे देती हैं। अरे वाह, ये तो एक अहम मालूमात दी आपने यार जी, जिनको नहीं पता उनके लिए है कि ये, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी वो हमारी खरगोशनी ने अपने सारे बाल उतारे, हमने तो झाड़ू मार दी कि गंदा क्यों कर रही है, मतलब गंदा नहीं कर रही भाई, बच्चे देने वाली है, उसने अपना नेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है और आपने झाड़ू कर दी, तो ये मालूमात है। हाँ, जिसके लिए मतलब जो नए हैं उनके लिए, उनको नहीं पता तो उनको पता है, जिनको पता है तो कोई मसला ही नहीं है यार। भाई देखें, खरगोश का नॉलेज का खजाना है यासिर भाई, जितनी इनिशियल बातें हैं ना आप इनसे सीखें माशाल्लाह से, वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें आपको, और लोगों में शेयर भी करें, ताकि लोगों को जो खरगोश की शौक है पहले से तो वो इन्हांस होगा और शौक, क्यों यासिर भाई? जी बिल्कुल, देखें एक ऐसा काम है जो बैठे बिठाए थोड़ी सी मेहनत में, मैं ये नहीं कहूँगा मेहनत में, शौक और थोड़ी सी मेहनत में एक अच्छी अर्निंग देता है आपको, अच्छी खासी अर्निंग देता है, कम सरमायाकारी से, मतलब आप लाइक दो जोड़े, अगर आपके पास सरमाया कम है तो आप फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, तो आपने दो जोड़े थोड़े छोटे बच्चों के डाल लिए, ठीक है, वो आपके 2 महीने 2.5 महीने में ब्रीडर बन जाएंगे, आपके पास सरमाया है आप ब्रीडर डाल दें, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, मगर एक अच्छा काम है, खामोश काम है, बीमारियां नहीं है, टेंशन नहीं है, शोर शराबा नहीं है। अरे आप ये कह रहे थे कोई आवाज़ नहीं निकलता, शोर नहीं, ये मेरा बर्ड्स मैंने रखा, बर्ड्स भी मैंने इसलिए रख लिए कि मैं तंग आ जाता था खामोशी से। अच्छा, तो कभी फिशर ले आया, कभी कुछ बोले, कनेरियां रखी कि कुछ, मैं रात में पहले पूरी रात बैठा करता था अपने फार्म पर, अब मैंने ज़रा चेंज किया, दिन में जागते हैं रात में सोते हैं, अब थोड़े दिन कोशिश कर रहा हूँ कि रात में जल्दी सोऊं, सुबह उठूं, वरना सुबह पूरी रात अच्छा करें, ये सेहत के लिए अच्छा है। हाँ जी, स्मार्टनेस करा स्मार्टनेस से तो मेरा कोई वास्ता है नहीं, तो खैर ये कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें होनी चाहिए ताकि लोग बोर ना हो, जैसे आप बोर हो रहे थे, आपने बोला भाई इतनी खामोशी तोड़ो, परिंदे रखो। अच्छा, अब कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं, कुछ और भी मुझे नजर आ रहा है? अच्छा, मैं इसी में सिमिलर आपको दिखाऊंगा और यही आप बोलेंगे कि यार कुछ सेम सेम से हैं, मैं इसमें वाजे करूं कि ऐसे तो आप अगर मेरी पिछली वीडियो को कवर किया या और जगहों पे देखें तो 20 से 25 ब्रीड्स आई पाकिस्तान में, बट कुछ नहीं चली,
कुछ रख नहीं पाते थे हम लोग, जैसे 10-10 किलो का खरगोश, 8-8 किलो का खरगोश हम नहीं रख सकते थे। तो ये वो ब्रीड्स हैं जो हमारे यहाँ बिकती बहुत हैं, आम आदमी को पसंद आती हैं, आम आदमी ख़रीद सकता है, ठीक है, इनको रखना आसान है, मेंटेनेंस कम है, तो इसलिए ये लॉयन हेड, मिनी लॉब, फ्रेंच लॉब और आपका फ्यूजी लॉब, यही क्वालिटी को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इन्हीं ब्रीड्स को रखें ताकि आप भी अर्न कर सकें। अच्छा, मिनी लॉब आप बार बार यूज़ करते हैं वर्ड, मिनी लॉब, लॉन्ग लॉब, ये क्या क्या नाम है ना ब्रीड के? मिनी लॉब बेसिकली मिनी लॉब बट हॉलैंड से बड़ा होता है। अच्छा, हॉलैंड साइज में फुल ग्रोन साइज बड़ा होता है, कान शेप अलग होता है, थोड़ा पॉइंटर फेस ज़्यादा होता है उसका, ठीक है ना, ये फर्क होता है इसमें। देखिए, सवाल इनवैलिड तो नहीं था ना? हाँ नहीं, आम आदमी के हिसाब से तो ठीक है, लोग परेशान हो जाते हैं। आदमी को तो पता होना चाहिए वो, अब जैसे मैंने आपको दिखाया लॉयन हेड और हॉलैंड का, वो बोले क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है, म्यूटेशंस बनती हैं, ये ब्रीड सेम है, बस फर की वजह से फर्क आ रहा है। चले, आप क्या कह रहे थे? कुछ मैं आपको इसमें अब एंड की तरफ जा रहे हैं, एंड की तरफ जा, हाँ जी, तो मैं आपको एक वाइट और दिखाता हूँ, लॉयन हेड लॉब। अच्छा, ये बैठा जो आपको दिखेगा कि कितनी प्यारी क्वालिटी के अंदर है, माशाल्लाह, यंग मेल है बिल्कुल, तो देख रहे हैं भाई, माशाल्लाह भी जरूर बोलिएगा, इससे बड़ा जी बिल्कुल माशाल्लाह बोले, हाँ जी, पसंद आए ना आए माशाल्लाह बोल दें, माशाल्लाह नहीं, बड़े प्यारा है यार, आंखें देखें इसके, बिल्कुल बीच में ना रेडिश पन है माशाल्लाह, लॉयन हेड यानी शेर जैसा मुंह जी। इसी में अगर आप नीचे वाले केज पे अपने कैमरे को शिफ्ट कर दें तो आपको लॉयन अंगोराज मिल जाएंगे स्ट्रेट ईयर में। ये बच्चे हैं, ये आपस में बाल इन्होंने नोच के ख़राब किए हैं थोड़े, और इसी के साथ ब्लू आइज में एक फ्यूजी लॉब साथ है। ये हाँ जी, हाँ जी, ब्लू है और ये रेड है। हाँ जी, वो आपके कैमरे है बेसिकली ये ब्लू आइज, बट वो शायद अभी कैमरा पड़ा है, लाइट पड़ रही है, ये तो रेड है, ये रेड है, वो बस लॉप में बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ, वो थोड़ा सा महसूस तो है, तो क्वालिटी वर्क है सारा, क्वालिटी रखें अच्छी, प्यारे हैं, देखने में प्यारे लगते हैं, आम आदमी मतलब खुद देख के दिल खुश होता है। अच्छा यासिर भाई, अब तो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ बताएं, खाने वाले खरगोश भी लोग रखते हैं? वो डोमेस्टिक हमारे देसी खरगोश खा लिए जाते हैं, सस्ते तप्पड़ है तो ये खा लो। नहीं भाई, ये तो महंगी तरीन ब्रीड है, इसको तो कमाने के लिए पाला। हाँ, देसी भी रखते हैं लोग, वो भी एक अच्छा शौक है, बट उससे रिटर्न नहीं है। आपके पास आप खाने के लिए रखते हैं? हाँ जी, दो आए हुए हैं मेरे पास अभी, ये रहे। हाँ, तो ये भी मैंने शौक में रखे हुए हैं, ये आम खरगोश है, ये हमारे डोमेस्टिक पाकिस्तानी खरगोश है। मिल जाता होगा ये ऑलमोस्ट 2,500-2,500 रुपए का पेयर मिल जाता है। ये भी मतलब इतना महंगा है, वेरी कर रहा है, गर्मी में थोड़ा सस्ता हो जाता है, सर्दियों में बहुत महंगे हो जाते हैं, लोग खाते हैं ना इनको। हाँ जी यार, एक वीडियो में मैं देखा था 300-400 का, वो कौन सा था? वो बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं वो, नहीं नहीं, गर्मी में रेट कम होते हैं, और छोटा बच्चा होगा तो उसके रेट कम होंगे, ये फुल ग्रोन है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यार बहुत माशाल्लाह से नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो लोग खरगोश से दिलचस्पी रखते हैं तो उनमें, अगर नहीं भी रखते हैं तो उनमें शौक उजागर होगा। यार माशाल्लाह से मतलब कहने का मकसद ये है कि 20-25-30 हज़ार में एक जोड़ा लेकर आराम से उसकी ब्रीड करा के और ज़रा मुबादला कमा सकते हैं ना ऐसे। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो दोस्तों इंशाल्लाह राबता कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है यासिर भाई का, जो कुछ पूछना है, यासिर भाई पहले ही कह चुके हैं यार मुझसे ख़रीदो या कहीं से भी ख़रीदो, लेकिन मालूमात के हिसाब से आपको मालूमात देंगे, जिसको शौक होता है ना वो मालूमात देकर अपनी मालूमात क्या उसमें बढ़ाने का, इजाफा करने का जो है ना उसको शौक होता है। तो इंशाल्लाह इनके पास भी अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं, और अभी कुछ जो फीमेल है प्रेग्नेंट हो गई हैं उनके बच्चे आएंगे इंशाल्लाह, इनका भी चैनल है रॉयल पेट्स के नाम से, आप जाके देख सकते हैं, सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, कैसे फीड कराती है फीमेल, क्या पेचीदगियाँ आती हैं, खाने के बारे में मालूम दी है, तो ये सारी चीज़ें। तो यासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी रब्ता करेगा आप उसको इंशाल्लाह, वैसे तो करते ही अच्छे से गाइड, और मज़ीद इंशाल्लाह और शौक से गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 0333-284-6567। अच्छा, टाइमिंग क्या है फ़ोन करने की? टाइमिंग आजकल तो मैं सुबह उठ रहा हूँ, और कोशिश करें शाम में फ़ोन करें, शाम में करें, मतलब असर मगरिब के बाद करें, और रात में 11 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बताया इन्होंने 11 बजे सो जाते हैं यासिर भाई। तो इंशाल्लाह जो भी रैबिट्स की मालूमात है कीजिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी मालूमात के साथ, ये अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अरे अब ये ले लें, ये उर्दू चल रहा है, संभाल नहीं पाऊँगा, आप रिकॉर्ड कर, हो गया रिकॉर्ड कर।